गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 और 182 सीटों पर होना है चुनाव दो चरणों में, तो गुजरात की जनता के बीच में मुद्दे क्या हैं और वो जनादेश किधर देना चाहते हैं, इस बात की तस्दीक करने के लिए हम गुजरात के जामनगर जिला के ध्रोल इलाके में हैं और यहाँ हमारे साथ कुछ व्यापारी यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है। सर, इस बार जामनगर के आपके इस क्षेत्र में क्या मुद्दे हैं? आम आदमी पार्टी का कौन कौन से मुद्दे हैं? आप बताइए। इस बार क्या क्या मुद्दे हैं? कुछ मुद्दा नहीं है, भाजपा की सरकार है, अच्छा चलता है सब। क्या भाजपा की सरकार ने क्या अच्छा किया है? सब बड़ा काम कर दीजा जे के बाकी इतने थी रहा, ब्लॉक थी मानी, रोड थी मानी ने पानी रास्ता नु बधु काम बहुत सारू कर्यु छे भाजपा सरकारे, बहुत बहुत सारू काम कर्यु छे। आप बताइए सर, क्या क्या इस बार का मुद्दा है? इस बार किसका चुनाव में इस बार आप लोग किस किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? मैं सरकार की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे को जो दिखाता है ऐसा बात करता हूँ। आम जनता को रोजी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, शिक्षण चाहिए और जो थोड़ा सा परिवर्तन चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। रोजगार होना चाहिए। सर आप बताइए इस बार क्या मुद्दे हैं, क्या जनता इस बार वोट किस मुद्दों पर करेगी? मुद्दा तो मोंगवारी बहुत बढ़ रही है, वो आम आदमी गरीब आदमी को बहुत तकलीफ है और धंधा पानी बहुत ऊंचा है, डीम कहे। बाकी सरकार बहुत अच्छी है और रोड रास्ता पानी बिजली वो बराबर आता है। आम आदमी ने बहुत तकलीफ है, बहुत गरीब मानसो, नाना मानसो ने रोजी रोटी की बहुत तकलीफ है, छोटे मानसे को। इनका कहना है कि सरकार अच्छा कर रही है लेकिन जो गरीब आदमी है वो दिक्कत में है। सर आप बताइए क्या क्या मुद्दे हैं इस बार? पहले इसको ले लो, सर आप बताइए इस बार क्या क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में तो अभी क्या है कि सब बीजेपी का देख रहा है, विकास अच्छा हो रहा है, महंगाई थोड़ी बढ़ रही है लेकिन उसके सामने जो देश है बन रहा है, अच्छा बन रहा है, नया बन रहा है। ठीक है तो मुद्दे क्या रहेंगे इस बार आप बताइए सर? मुद्दे तो क्या है, छोटे आदमी है बेचारे, वो लोगों का है, गरीब आदमी को बहुत दिक्कत है। ज़्यादा क्या है, गरीब आदमी है जो ये बेचारे कमाने वाले, उसको बहुत दिक्कत है और तो कोई है नहीं। बाकी तो पानी पानी बिजली बिजली का कोई वो है नहीं, सब सही है लेकिन ये गरीब आदमी को थोड़ा क्या है, बहुत दिक्कत है महंगाई की वजह से। कुछ युवा है उनसे पूछते हैं, आप आगे आइए, आप बताइए आपका वोट बना है? वोट बना हुआ आपका? आप इस बार कौन मुद्दे पर वोट करेंगे? वो तो अभी मालूम पड़ेगा किसने सबसे अच्छा काम किया, उस तरह से हम वोट करेंगे। एक युवा होने के नाते आप क्या चाहते हैं? युवा होने के नाते सभी समस्याएं दूर होनी चाहिए और सभी को लाभदायक मिलना चाहिए और क्या। आप सर बताइए इस बार कौन से मुद्दे रहेंगे? आपके ये गैस का भाव जास्ती है, बिजली का बिल जास्ती आता है और ये बदलाव जाते हैं। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? अरे बदलाव जाते है, लोगों में भी बदलाव आवे तो चलता है। इधर पीछे कुछ युवा है सर पूछते हैं, आप बताइए इस बार क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? एजुकेशन पे ही। तो अभी जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है? वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, काम अच्छा है लेकिन बीजेपी ही आएगी इस बार भी। आपको लग रहा है बीजेपी की सरकार आएगी? तो ऐसे कौन से काम है जिसपे बीजेपी आएगी? बीजेपी सभी काम अच्छे ही करती है, वो नरेंद्र मोदी तब तक बीजेपी ही आएगी। आप बताइए। वो सही बोला, उसके साथ ही हूँ। क्या क्या बीजेपी? बीजेपी क्यों? नहीं काम अच्छा है ना उसका, कुछ काम बताइए हमें, हमें पता चले क्या काम अच्छा है भाजपा का। नहीं सब काम अच्छा है, सब काम अच्छा है। तो आप लोग वोट गुजरात के मुख्यमंत्री के नाम पे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे कर रहे हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर।
सर आप बताइए, इस बार का जो चुनाव गुजरात का हो रहा है उसमें कौन कौन से मुद्दे आपकी नज़र में हैं जब आप वोट करने जाएंगे? बस एक ही है, महंगाई, पेट्रोल डीजल, वो काम कर दे। और बीजेपी है, आज भी रहेगी और कल भी बीजेपी ही रहेगी। नरेंद्र मोदी को आज भी पसंद करते हैं, कल भी करेंगे। चुनाव में 110% मोदी ही आएगा। लेकिन आप कह रहे हैं महंगाई मुद्दा है? महंगाई का मुद्दा है, सरकार सुन लेगी, वो भी कम कर देगी। आपको उम्मीद है कि मोदी जी महंगाई कम कर लेंगे? मुझे पता है कि एक दिन जरूर पूरी हो जाएगी महंगाई भी। यहाँ एक युवा हमें सुन रहे, इनसे पूछता हूँ, वोट बना तुम्हारा? वोट नहीं बना तो वोट नहीं डालोगे? नहीं, वोट ही नहीं तो तो सरकार कैसी चाहते हो? ये तो चलेगा। चलिए, ये अभी इन्होंने, इनका वोट ही नहीं बना, इन्हें पता ही नहीं कि वोट करने कैसे हैं। इधर कुछ बुजुर्ग हैं, मैं इनसे पूछता हूँ। आप इधर आइए चाचा, चाचा आप बताइए। आप कोई बात नहीं, आप गुजराती में बोलिए। हाँ, इस बार क्या माहौल जो आप मंगवारी कई रीते होगी तमने खबर जो आ धंधा में मजदूर में एक घर ने अंदर चार मानसो खावा वाला एक जनो कमाते हो तो आमा लाइट बिल क्या भरी है, गैस क्या पूरा करी है, बराबर तो हाली मांगे कहीं राहत थे मंगवारी घटाड़े तो फायदो है। तो आपको क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी? सरकार की कोई बात नहीं है, कांग्रेस आएगा तो ये है, भाजपा आएगा तो ये है, आम आदमी पार्टी आएगा तो ये है, सरकार कोई मतलब नहीं। मतलब ये कि महंगाई घटाड़ो तो नाना मानसो का एक व्यवस्थित जीवन जीवी है। तो आपको क्या लग रहा है सरकार बदलाव होगा या भाजपा की सरकार आएगी? सरकार का में आवे, भाजपा आवे क्या, कांग्रेस आवे क्या, आम आदमी आवे, इससे कोई मतलब नहीं। आज 20 वर्ष ओली हो जाओ करी गई, 20 वर्ष ही आना थिया, हाँ ये बता यूनियन पोजिशन आयला रखे है, हमें आम आदमी पार्टी से। चलो आप आम आदमी पार्टी से? हाँ। चलिए, ये आम आदमी पार्टी के था। आप बताइए, हमारे पत्रकार महोदय हमारे साथ, यहाँ के स्थानीय पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताइए इस बार चुनाव में किस तरह के मुद्दे हैं? चुनाव में एक तो है भ्रष्टाचार है, सभी गुजरात की सभी जो पब्लिक है ना, मोदी साहब को योगी जी को पूरा सम्मान देती है, कोई इसके नीचे के जो है ना, जो वो मोदी का कोई सुनते ही नहीं है, पब्लिक है भाजपा को चाहती है। पहिया जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, इसमें जो थोड़ी कमी आ जाए ना, तो ये 27 साल तक जो आई है ना, इसके 10 साल और भी भाजपा आ जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? अभी तो ऐसा लगता है कि थोड़ी भाजपा को थोड़ी तकलीफ है, पर फिर भी भाजपा आ जाएगी। थोड़े छोटे से छोटे ने जो आई थी ना, इसके 100 के आसपास सीट आएगी भाजपा की। तो मुकाबला कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी से? ना नहीं, कांग्रेस से है, आम आदमी से नहीं। आम आदमी अच्छी पार्टी है, पर अभी इसका कोई वर्चस्व नहीं है गुजरात में इसका। हाँ, तो हमने जामनगर के ध्रोल में यहाँ पर कुछ स्थानीय व्यापारियों से, स्थानीय लोगों से, युवाओं से, मजदूरों से बात की और जाना यहाँ का मूड क्या है। तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है इस पूरे क्षेत्र में, लेकिन लोगों का मानना है कि सरकार भाजपा की ही आएगी, लेकिन उनको उम्मीद है कि महंगाई कम की जाए और रोजगार पर ध्यान दिया जाए।